स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के पेपर के बारे में। यहाँ पर हम आपको वनरक्षक का पेपर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वीडियो का पेपर कैसा हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने वीडियो का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध है। ये टेस्ट पूरी तरह एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें या फिर दाएं तरफ ऊपर ये जो आई का बटन है उसे दबाकर भी आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो पेपर के लिए। दरअसल आपको पता होगा कि 2 दिसंबर के दिन वन रक्षक या विधान भवन रक्षक का पेपर था। अब बात करें वीडियो की तो वीडियो का पेपर 22 एवं 23 दिसंबर को प्रस्तावित है और जो वनरक्षक का पेपर हुआ है ये पेपर काफ़ी हद तक हार्ड था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर और क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे उसी तरह के क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा जाएगा। हालांकि आप ये भी मान सकते हैं कि वीडियो का पेपर और टफ बनेगा। इसका एक कारण ये भी होगा कि इसमें लगभग 14 लाख कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे कैंडिडेटों में से अगर एक ही परीक्षा में सिलेक्शन करना है तो इनको पेपर टफ बनाना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि वनरक्षक का पेपर कैसा था। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये वनरक्षक का पेपर है और इसके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर सेट है ये है BE, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे BE, या फिर आप नीचे जाएंगे तो भी देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है सेट BE, तो सेट BE है। चलिए आप हल करिए, देखिए ये कैसा पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। आपको बताना है कि जो अत्यंत लिखा गया है इस पदों का भेद बताइए, आपको मतलब ये क्या है। और आपके ऑप्शन ये हैं विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण, सविशेषण। तो अगला ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। आपके ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित। इसी तरह और भी आपको क्वेश्चन दिखा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा होगा, लूसेंट से सारे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ बुक है। तो आपको इनमें से देखना होगा कि आप कितना हद तक कर पाते हैं। यहाँ पे है कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है। तो देखिए सभी क्वेश्चन लगभग वैसे ही हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आसान है, नहीं तो बाकी हिंदी के क्वेश्चन बेहद हार्ड पूछे गए हैं। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी आपको हिंदी का पेपर बहुत हद तक पास भी करा सकता है और फेल भी। लेकिन अगर वीडियो के पेपर में हिंदी का पेपर इसी तरह रहा तो शायद निराशा ही हाथ लगेगी। यहाँ पे आप बताइए कि अतियुक्ति शब्द में संधि है, ये क्वेश्चन लूसेंट में है ही नहीं। इसी तरह आप नीचे जाके इसके जो GK वाले क्वेश्चन है उसको भी देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लगभग जो हिंदी या फिर GK का जो भी पेपर होगा ग्राम विकास अधिकारी के लिए उसका लेवल लगभग यही होगा, इससे हार्ड भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट बैठेंगे परीक्षा में और वहाँ पे और कोई मेंस नहीं है कि आपको इस परीक्षा के अलावा उसमें भी छाटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका पेपर और भी टफ हो सकता है, इसलिए हमने जो भी वनरक्षक का पेपर है और आंसर की है उसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके पेपर के साथ आंसर की भी डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद खुद हल करिए और बाद में आंसर की मिलाइए, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया और आपको अभी भी कितनी मेहनत करनी है। अभी भी आपके पास 15 दिनों का समय है और आप समय रहते अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पे बताया गया है कि ये पेपर 2 दिसंबर को हुआ है। यहाँ पे करीब करीब 14 सेट आए थे लेकिन अभी तक हमने यानी कि 7 दिसंबर तक हमने केवल 6 सेट अपलोड किया है। आपको जल्दी ही 8 सेट का पेपर जल्दी ही इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। थोड़ी ही देर में आप किसी और पेज पे होंगे और वहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरह इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर सेट नंबर जो 1 है वह BA है, इसका नाम था BA।
अब आपको अगर पेपर डाउनलोड करना है तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, या फिर अगर आप इसका आंसर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वाले बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड आता है। इस ऐड को आने के बाद आप 5 सेकेंड वेट करेंगे, और 5 सेकेंड वेट करने के बाद यहाँ पे एक स्किप का बटन बनेगा, तो आपको नॉर्मली इसे स्किप कर देना है। स्किप करते ही क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर होगा और आप बड़े ही आसानी से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह हमने अभी तक फिलहाल 6 सेट को अपलोड किया है, लेकिन जल्दी ही आपको 14 सेट मिल जाएंगे। तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।